please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पेट्रोलिंग कर रही सेना की एक टीम पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। यह हमला गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आज होने वाले कुपवाड़ा दौरे से ठीक पहले किया गया। अभी भी 3 से 4 आतंकवादियों के इलाके में छिपे होने पर सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में है और ऐसे में यह हमला हुआ है, सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाला है यह हमला? देखिए, जरूर सी बात है, क्योंकि होम मिनिस्टर इस फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन का भी रिव्यू करेंगे, क्योंकि यही वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, काफ़ी एरियाज में, चाहे वो हंदवाड़ा का बेल्ट हो, मच्छिल हो, केरन हो, और भी कुछ एरियाज हैं जहाँ से वहाँ इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट आते हैं उस पार से इस पार। तो ऐसे में वहाँ जाना और उसके पहले 2 अटैक्स होना, क्योंकि कल भी एक अटैक हुआ था केरन में, वहाँ पे एक फौजी जवान की जान गई थी, एक और जख्मी हो गए थे। आज का ये जो अटैक है, ये लंगेट का एरिया है, हालांकि बताया जा रहा है कि वहाँ फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन वहाँ बस्ती बिल्कुल करीब है। एक गाँव की बात आ रही है कि वहाँ पे मिलिटेंटों ने पेट्रोलिंग पार्टी पे अटैक किया और उसके बाद वो कॉर्डन ऑफ किया गया एरिया, और बताया जा रहा है उस एरिया में 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी शायद टाइम लग सकता है, लेकिन गृह मंत्री के दौरे से पहले ये अटैक होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे एक जरूर एक चिंता है। बिल्कुल रिफत, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दिए गए भाषण के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत और तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी के भाषण के बाद दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति ने आरएसएस के नेताओं को आईना दिखाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने सहिष्णुता और बहु संस्कृति के साथ साथ जिस तरह से भेदभाव और नफरत को देश के लिए खतरा बताया है, क्या उसे आरएसएस सुनने को तैयार है? इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपने भाषण के जरिए मोदी सरकार को भी राजधर्म सिखाया है। हालांकि कांग्रेस हेडगेवार को भारत माँ का महान सपूत बताने वाले प्रणब मुखर्जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है और उसे महज औपचारिकता बताया है। श्री प्रणब मुखर्जी ने सच का आईना दिखाते हुए आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में आरएसएस और देश को ये बताने का प्रयास किया कि भारत उसकी विविधता में जीता है। मोदी सरकार को भी प्रणब मुखर्जी साहब ने राजधर्म की याद दिलाई और बताया कि किस प्रकार से शासक का की खुशी केवल और केवल देश की जनता की खुशी में है। लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि प्रणब मुखर्जी ने भी राष्ट्रवाद की आरएसएस की विचारधारा का सम्मान किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने प्रणब मुखर्जी के हेडगेवार को भारत माँ का सच्चा सपूत बताने वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। जो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से कि देश के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक जी हैं, परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी, उन्होंने राष्ट्र का सपूत माना है। तो जो राष्ट्र के लिए इदम नवम इदम राष्ट्राय स्वाहा, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है वही राष्ट्र का सच्चा सपूत भी होता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के समर्थकों और उनका विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस लाठियां चलाने लगी। वहां किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हार्दिक पटेल की गाड़ी पर अंडे फेंके गए और उन्हें काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद हार्दिक पटेल के समर्थक भी आपा खो बैठे। हार्दिक पटेल का विरोध कर रहे छात्रों को हार्दिक पटेल के साथ जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने दोनों गुटों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर पुलिस कर्मियों ने जमकर लाठियां बांधी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने एक युवक को कार्यकर्ताओं से बचाया और उसे थाने में ले गई। थाने के परिसर में पुलिस वालों ने विरोध कर रहे छात्रों की जमकर पिटाई की। उधर हार्दिक पटेल का समर्थन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर नारेबाजी जारी रखी। ये कार्यकर्ता हार्दिक पटेल के काफिले को काले झंडे दिखाने और गाड़ी पर अंडे फेंकने से बेहद नाराज दिखे। हालांकि इस हंगामे के बाद हार्दिक पटेल का काफिला किसान सम्मेलन की ओर रवाना हो गया। किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने पनागर निकले हार्दिक पटेल का विरोध जबलपुर से ही शुरू हो गया था, जहां उनकी गाड़ी पर बाइक सवार युवकों ने अंडे फेंके।
और रास्ते में भी विरोध का सिलसिला जारी रहा। इससे पहले जबलपुर पहुंचे हार्दिक पटेल ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किसान सम्मेलन के लिए निकले, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए। हार्दिक पटेल ने इस विरोध के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधा और ट्विटर पर लिखा कि अरे मामा शिवराज, अंडे से ये हार्दिक नहीं रुकने वाला, बंदूक की गोली चलाओ, जब तक रक्त है मुझमें लड़ाई जारी है। वहीं गुजरात से विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने हार्दिक पटेल का साथ देते हुए बीजेपी पर हमला बोला और ट्वीट किया कि हमसे राजस्थान में बौखला गए हैं और तुमसे मध्य प्रदेश में। विरोध और हंगामे के बीच हार्दिक पटेल ने पनागर के किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के समय पुलिस ने जब मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए जबकि एक फरार हो गया। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। चेकिंग के दौरान एक बाइक पे तीन लड़के निकले, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें दो बदमाश इंजर्ड हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में हेडगेवार मेमोरियल पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहां आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार को भारत का महान सपूत बताकर प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति का हेडगेवार की जन्मस्थली पर जोरदार स्वागत हुआ और उनकी अगवानी दूसरे पदाधिकारियों के साथ खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की। हेडगेवार की तस्वीर पर फूल चढ़ाने के बाद मोहन भागवत प्रणब मुखर्जी को मकान के ऊपरी हिस्से में ले गए। यहाँ पे मोहन भागवत और प्रणब मुखर्जी की मुलाकात जो हो चुकी है। ये जो जगह है यही पर डॉक्टर हेडगेवार रहते थे और संघ की स्थापना यही पर हुई थी। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रणब मुखर्जी ने विजिटर्स बुक में उनकी तारीफ करते हुए लिखा, आज मैं भारत माता के महान सपूत केबी हेडगेवार को सम्मान और श्रद्धांजलि देने यहां आया। डॉक्टर हेडगेवार के घर को देखने के बाद जब प्रणब मुखर्जी बाहर निकले तो सीढ़ियों पर आरएसएस प्रमुख ने उन्हें हाथ बढ़ाकर सहारा दिया और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्व राष्ट्रपति वहां से रवाना हुए। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज में बंटवारा नहीं होने की अपील की है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि विविधता और सहिष्णुता में भारत बसता है, नफरत और भेदभाव से देश की पहचान को खतरा हो सकता है। प्रणब मुखर्जी ने कहा, हमारा राष्ट्रवाद किसी क्षेत्र, भाषा या धर्म विशेष के साथ बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए लोकतंत्र सबसे अहम मार्गदर्शक है। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों की खुशहाली को राजा की खुशहाली माना था। प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन में भारत के इतिहास और राजनीतिक पहलुओं का भी जिक्र किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर अपने विचार रखे। नेशन इज डिफाइंड एज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री एंड इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर स्टेट और एरिया। नेशनलिज्म इज डिफाइंड एज आइडेंटिफिकेशन विद वन्स ओन नेशन एंड सपोर्ट फॉर द इंटरेस्ट स्पेशली टू द एक्सक्लूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स। Patriotism is defined as devotion to and vigorous support for one's own country. मंच से बोलते हुए प्रणब मुखर्जी ने भारत के संविधान और लोकतंत्र की अहमियत का भी जिक्र किया। On 26 January 1950, the Constitution of India came into operation. Democracy became our most precious guide towards peace and regeneration from the swamp of poverty which was created by 190 years colonial rule by Britain. For us, democracy is not a gift but a sacred trust. अपने संबोधन के समय पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के संविधान से देश के राष्ट्रवाद का प्रभाव होता है। The Indian Constitution, consisting of 395 articles and 12 schedule, is not an instrument for administration, a legal document, but a Magna Carta of socio-economic transformation of the country. It represents the hopes and aspirations of billions plus people in India. From our constitution flows our nationalism,
the construct of Indian nationalism is constitutional patriotism. उन्होंने विविधता और सहिष्णुता को भारत का अहम हिस्सा बताया, साथ ही नफरत और भेदभाव से देश की पहचान को खतरा करार दिया। We derive our strength from tolerance. We accept and respect our pluralism. We celebrate our diversity. There have been a part of our collective consciousness for centuries. Any attempt at defining our nationhood in terms of dogma and identities of religion, region, hatred and intolerance will only lead to the dilution of our national identity. पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास होना जरूरी है। In a democracy, I believe informed and reasoned public engagement on all issues of national importance is essential. A dialogue is necessary not only to balance the competing interests but also to reconcile them.